उर्दू सीखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करते होंगे। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू प्राइमर और आपकी क्लास है प्री वन। आज का सबक हम सफ़ा नंबर 87, 88 और 89 से करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। बच्चों, ये है स्वात का ख़ानदान, जिसमें है स्वात और ज़ुआद। आज हम स्वात पढ़ेंगे, तो चलें पढ़ते हैं स्वात। अगर हम स्वात का नून गुना अलहदा कर दें और उसके आगे एक छोटी सी लाइन लगा दें तो स्वाद की आधी शक्ल बन जाती है। ये है स्वाद की बड़ी शक्ल और ये है स्वाद की आधी शक्ल। अब हम स्वाद लिखना सीखते हैं। आप लोगों ने सुर्ख नुक्ते पर जहाँ वन लिखा हुआ है पेंसिल रखकर एक पत्ते की तरह का गोल दायरा बनाना है। फिर उसको टू के पास लेकर जाना है। फिर हम नीचे जाएंगे थ्री के पास और उसको गोल करेंगे और चार के पास चले जाएंगे। इस तरह हमारी स्वाद बन जाएगी। तो चलें बच्चों, अब हम स्वाद के अल्फाज पढ़ते हैं। स्वाद के अल्फाज, स्वाद से सोफा, सोफा, स्वाद से संदूक, संदूक, स्वाद से साबन, साबन, स्वाद से सुराही, सुराही, स्वाद से साफ कमरा, साफ कमरा, स्वाद से सफाई, सफाई, स्वाद से साफ आसमान, साफ आसमान। बच्चों, आपको पता है सफाई क्या होती है? तो चलें आज हम पढ़ते हैं सफाई, कि सफाई क्या होती है। मैं आपको दो बच्चों के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा बच्चा सफाई पसंद है। ये है अरहम और ये है मुर्तज़ा, जो कि बहुत शरारती है। अरहम का कमरा गौर से देखें। अब हम मुर्तज़ा का कमरा गौर से देखते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि अरहम का कमरा अच्छा लग रहा है या मुर्तज़ा का। वेरी गुड, जी हाँ, अरहम का कमरा ज़्यादा साफ़ है क्योंकि वो अपने कमरे का ख्याल रखता है। आप लोगों को भी अपने कमरे की सफाई खुद करनी चाहिए और अपनी अम्मी का साथ देना चाहिए। बच्चों, आप बहुत से छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे फर्श पर कपड़ा लगाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, झाड़ू लगाना और गार्डन में पौधों को पानी देना। इसके साथ साथ आपको अपनी भी सफाई करनी चाहिए। आपको अपने हाथ हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए और उनको खाने से पहले और खाने के बाद धोना चाहिए। सुबह को उठकर अपना मुंह धोना चाहिए और रोज़ाना आपको नहाना चाहिए। इससे आप साफ सुथरे हो जाएंगे। सफाई का रखूं मैं हमेशा ख्याल, सफाई का रखूं मैं हमेशा ख्याल, क्योंकि ये है निस्फ ईमान। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? स्वाद, स्वाद की आवाज़ है सा, सा, ये स्वाद की बड़ी शक्ल है और ये स्वाद की छोटी शक्ल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से याद हो गया होगा। आप लोगों ने अपनी किताब में इसकी बार बार मश्क करनी है और इसको लिखना भी है।
जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी उनको देखें ताकि उनको हरूफ़ तहजी अच्छे से याद हो। अब मैं आप लोगों से अलविदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।